नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे ट्रिक के बारे में जिसके मदद से आप अपने फ़ोन को एक नए तरीके में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक ऐसा किलर ट्रिक और एक ऐसा किलर सेटिंग जो कि शायद आप लोगों ने पहले इस फोन नहीं देखा होगा, तो चलिए इस मज़ेदार सेटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं अभी आपको सैमसंग के फ़ोन से यूज़ करके दिखाऊंगा, और आप अगर दूसरा कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं जैसे कि रेडमी या फिर अदर्स कोई भी डिवाइस, तो भी उस सभी डिवाइस में भी ये चीज़ काम करता है। और यह पे सेटिंग का कुछ थोड़ा अलग थलग हो सकता है, परंतु ये चीज़ सच में काम करता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सेटिंग के ऑप्शन में मैं आ चुका हूँ। उसके बाद आपको ढूंढना होगा एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए एक्सेसिबिलिटी, तो एक्सेसिबिलिटी की इस ऑप्शन में मैं जाता हूँ। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर देखिए डिक्सेस एंड इंस्ट्रक्शन। तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की ये ऑप्शन अगर कुछ कुछ फोन में अगर दिखाई देता है तो ये भी आपको सिलेक्ट करना है। तो इसको सिंपली आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे कुछ इंटरफेस आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखना है कि यहाँ पर देखिए इंट्रैक्शन कंट्रोल, तो ये चीज़ अगर ऑफ होता है तो इसको क्लिक करने के बाद ऑन कर दीजिए। उसके बाद इसको ऐसे क्लिक करने के बाद ओपन कर दीजिए। तो ओपन करने के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। अगर ये दोनों चीज़ ऑफ रहता है तो आपको सिंपली इसको जो है ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपका काम हो चुका है। अभी आप अपने होम स्क्रीन पर आ जाइए। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, यानी कि होल्ड करके प्रेस करके रखना है दो चीज़ों को, जो कि एक है आपका होम बटन, आपका फ़ोन का होम बटन, और दूसरा है आपका जो वॉल्यूम का डाउन बटन। तो इसको आपको होल्ड प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं होल्ड प्रेस करके रखता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं प्रेस करके रखता हूँ, और प्रेस करके रखने के साथ साथ आपके सामने यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यहाँ पर खुल जाएगा। तो आपको सिंपली ऑप्शन के यहाँ पर क्लिक करना है, और ये अगर सभी चीज़ ऑन होता है तो इसको आपको ऑफ करके रखना है सभी चीज़ों को। तो अभी दोस्तों आप देखिए आप इसका फ़ायदा क्या क्या ले सकते हैं इस सेटिंग का। तो ये सेटिंग आपका जो है पूरी तरह से यहाँ पर ऑन हो चुका है। अभी दोस्तों अभी आप आपका जो नोटिफिकेशन है इसको ब्लॉक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बार को आप ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम हमारे फ़ोन को जो है कोई भी बच्चे या फिर कोई भी मांगता है, और उसके जो है गेम खेलना या फिर कुछ अलग चीज़ें करने के लिए मांगता है। तो आपको इस टाइम में आप जो है अपना नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आप सिंपली किसी भी फ़ोन का नोटिफिकेशन आता है ऊपर से नीचे तरफ की, तो आप अगर ऊपर की ये थोड़ा सा स्क्रीन को अगर ब्लॉक कर देते हैं तो कोई भी आपका जो नोटिफिकेशन को यहाँ पर नहीं ला सकते। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को आपको सिंपली ऐसे करके मार्क करके सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद जो ये थोड़ा सा जो स्क्रीन है, ये थोड़ा सा स्क्रीन जो है ब्लॉक हो जाता है, और क्योंकि यही जगह पर आपका नोटिफिकेशन होता है इसलिए नोटिफिकेशन भी ब्लॉक होता है। उसके बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो ये थोड़ा सा स्क्रीन है, ये थोड़ा सा स्क्रीन जो है ब्लॉक हो चुका है। अभी देखिए मैं यहाँ पर कोई भी टास्क करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर टास्क कर रहा हूँ परंतु ये काम नहीं कर रहा है। तो ये तो था पहला सेटिंग। तो चलिए अभी मैं आपको दूसरा सेटिंग को भी यहाँ पर बदलता हूँ। तो फिर से हमें जो है इस ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको होम बटन और जो है आपका जो वॉल्यूम का डाउन बटन पे आपको क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो आप जो है यहाँ पर इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो अभी जो है हम अपना नोटिफिकेशन यहाँ पर ब्लॉक कर चुके हैं। दोस्तों ये चीज़ अगर ऑन होता है तो आपका जो दूसरा फायदा यही होता है कि आपका जो फ़ोन का सभी के सभी बटन है, मतलब कि मान लीजिए आपका पावर बटन, आपका वॉल्यूम के सभी बटन, आपका जो है सभी के सभी बटन जो है ये काम करना बंद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसको अगर ऑन करते हैं तो आपका ये सभी के सभी बटन काम करना बंद कर देते हैं, और ये सभी के सभी बटन अगर काम करना बंद करते हैं तो आपका पहला फायदा ये होगा कि मान लीजिए आपका पावर बटन अगर काम करना बंद करते हैं तो कोई भी अगर चोर आपके फ़ोन को चोरी करता है तो वो जो है आपका फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। और जो आपका जो यहाँ पर देखिए बैक बटन अगर काम करना बंद कर देता है तो यहाँ पे आप किसी कोई अगर आपके हाथ से आपका फ़ोन लेता है तो ये आपका बैक बटन पे प्रेस करने के बाद उसको बैक नहीं कर सकते। उसके बाद आपका जो होम बटन ये भी काम करना बंद, उसके बाद रिसेंट और वॉल्यूम के बटन भी काम करना बंद कर देगा। और वॉल्यूम का बटन अगर काम करना बंद कर देता है तो कोई भी आपका फ़ोन में कोई भी म्यूज़िक या फिर कोई भी जो वीडियो अगर चलाता है वो उसको बढ़ा भी नहीं सकता और घटा भी नहीं सकता। दोस्तों यहाँ पर आप नेक्स्ट सेटिंग ये कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ़ोन या आपके हाथ से मांग रहे हैं तो आप जो है अपने पूरे के पूरे स्क्रीन को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। उसके बाद इस फ़ोन को आप दे सकते हैं। तो इसके लिए आप या फिर कोई भी चोर आपके फ़ोन को अगर चोरी करते हैं तो आप अपने स्क्रीन को ब्लॉक कर सकते हैं,
तो वो इस ब्लॉक करने के साथ साथ आपका चोरों जो है आपके स्क्रीन पे कोई भी चीज़ें यहाँ पर टच नहीं करने वाला। तो इसके लिए आपको जो है सिंपली यहाँ पर देखिए ब्लॉक होल स्क्रीन, तो इसके ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद डन के ऑप्शन, जो पूरे पूरे स्क्रीन है यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर देखिए बहुत सारा जगह पर प्रेस कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर जो है कहीं पर यहाँ पर स्क्रीन काम नहीं कर रहे। तो आप मेरा जो है अभी पूरा का पूरा स्क्रीन जो है ब्लॉक हो चुके हैं। तो इसको अनलॉक करने के लिए फिर से आपको वॉल्यूम की डाउन बटन और होम बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है अभी अनलॉक हो चुका है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। तो फिर से चले हम इस ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस ऑप्शन पे इसको ब्लॉक हटा चुका हूँ। तो ये तो था यहाँ पर नेक्स्ट फायदा। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट फायदा है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कोई भी आपका फ्रेंड यूट्यूब देखना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वो यूट्यूब का ही वो वीडियो देखे जो आप प्ले करना करके उसको देखना चाहते हैं, तो वो सिर्फ वही वीडियो देख सकते हैं। ये और फिर बाकी आदर्श पे, तो मान लीजिए आपको पता है कि यूट्यूब के वीडियो ऊपर के ऊपर इस थोड़ा सा ये स्क्रीन आता है, तो आप सिर्फ सिंपली जो है उसको थोड़ा सा ही स्क्रीन यहाँ पर लॉक करके देंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के वही वीडियो देख सकते हैं या फिर अदर्स वीडियो नहीं देख सकते। तो इसको करने के लिए सिंपली हम जो है यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए दाग यहाँ पर डाल देना है और इसको जो है डांट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखिए ऊपर की ये थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ पर लॉक हो चुके हैं, और आपका फ्रेंड यूट्यूब में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसी जगह की वीडियो को देख सकते जो आपने लॉक कर दी है और बाकी चीज़ों को यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। तो चलिए हम या अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। दोस्तों इस चीज़ का जो नेक्स्ट फायदा है वो है कि आप अपने कैमरे को ब्लॉक कर सकते हो। तो कैमरे को ब्लॉक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, मान लीजिए ये थोड़ा सा ही हिस्से को आपको यहाँ पर ब्लॉक करना होगा। इसके लिए आप जो है यहाँ पर ये थोड़ा सी चीज़ों को आप यहाँ पर यह ब्लॉक कर दीजिए, उसके बाद डन कर लीजिए। तो डन करने के बाद सिंपली आप जो है आपके कैमरा को यहाँ पर खोल लीजिए, कि मैं अपने कैमरा को यहाँ पर खोल चुका हूँ। तो कैमरा को खोलने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पर मेरे यहाँ पर फोटो अभी नहीं ले सकते, क्योंकि जहाँ पर क्लिक करके फोटो लिया जाते है वही जो हिस्सा है बंद है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने कीबोर्ड को भी यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं। तो कीबोर्ड को ब्लॉक करने के लिए सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखिए कीबोर्ड की इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद बैक कर देना। तो कीबोर्ड की इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो कीबोर्ड है ब्लॉक हो जाएगा। वो कहीं पर व्हाट्सअप या फिर आपका मैसेज के ऑप्शन में जाने के बाद अगर किसी को मैसेज करना चाहेगा तो आपका कीबोर्ड ओपन ही नहीं होगा और वो मैसेज भी नहीं कर सकता। और सेम तरह से वॉल्यूम या फिर पावर की इसको भी ऑन करते थे तो आपका वॉल्यूम या फिर पावर की कभी भी काम नहीं करेगा जब तक कि इस ऑप्शन को ऑफ नहीं किया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, और वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तब तक के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।